अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब घर खरीद से रहते होंगे और एक दूसरे से बात करते होंगे। तो इस ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। जी हाँ भाई, आप सबको तो पता ही होगा कल वाली रात से हमारे पास बहुत बारिश हो चुकी थी और मैंने ब्लॉग बंद कर लिया था। भाई ब्लॉग बंद कर लिया था, उसके बाद मैंने 4 घंटे यहाँ पर बैठा हुआ था। यहाँ पर बहुत तेज़ बारिश हुई थी, यहाँ पर मेरा पूरा सामान गीला हो रहा था। मैंने पूरा चा करके यहाँ पर चला गया था। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर जो मेरे गब्बे पड़े थे वो यहाँ पर आ चुके हैं, जो कि यहाँ पर बहुत गीले हो रहे थे, मैं यहाँ पर रख दिए हैं अभी फ़िलहाल। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, वहाँ पर जो डब्बा पड़ा था पूरा, वो तो आधे से ज़्यादा गीला हो चुका था, वो मैंने अंदर कर रख दिया था। वो पंखे भी अभी पूरा सूख चुका है। ये रहा वो डब्बा जो कि आपके सामने पड़ा है, पूरा यहाँ से गीला हो चुका था, ये पूरा बैठ चुका है, ये पूरा ऊपर से ख़राब हो चुका था। अभी मैंने ये वाला पंखा चला के यहाँ पर रख दिया था। ये जो पंखा है इसकी हवा कुछ ज़्यादा थी, पूरी रात को यहाँ से भी हवा आ रही थी, तो ये एक रात में मतलब आराम से सूख गया, वरना इसको एक पूरा दिन लग गया था जब तक धूप नहीं आती। भाई अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ पर मौसम कुछ ऐसा लगा है, फुल काले बादल आ चुके हैं, फुल मुझे लग रहा है फिर भी आज बारिश होगी। अभी मैं उसके ही इंतज़ार में बैठा हुआ हूँ, यहाँ पर आपके सामने भी हूँ। जी क्या हुआ? ये भगवान क्या जुल्म है, ये ऐसे ही मजाक करती रहती है, ये भी मजाक कर रही थी मेरे ख्याल में। अभी जो है पूरी हवा चल रही है, बहुत तेज हवा चल रही है। यहाँ पर मैं गर्मी हूँ इसलिए आपको हवा था मतलब हवा महसूस नहीं हो रही, वरना आपको महसूस हो जाती। वो देख सामने अलम किससे हिल रहा है। और पहले मैं ब्लॉग स्टार्ट नहीं करना चाह रहा था, मैंने सोचा था कि भाई ब्लॉग को छोड़ो आज कल बना लेंगे, वैसे भी कल अपलोड होगा। मैंने भाई एक दिन पहले ही शुरू कर दिया। आप सोच रहे होंगे भाई आप ब्लॉग बनाते रहते हैं और अब ब्लॉग बना के एक्स्ट्रा रख देते हैं, फिर दूसरे दिन में आप ब्लॉग नहीं बनाते, उस दिन आप अपलोड कर लेते हैं। भाई ऐसा नहीं है, मैं जिस दिन ब्लॉग मेरा अपलोड होने वाला होता है उस दिन ही बना के, उस दिन अपडेट मतलब वो क्या एडिटिंग करके उसी वक्त मैं अपलोड कर देता हूँ। मैं ऐसे करता हूँ, आप ऐसे ही नहीं समझना कि भाई ये ब्लॉग बनाता है और वो बना के एक्स्ट्रा रख देता है, मतलब आज कर लिया ये, मतलब आप समझ रहे हो ये ब्लॉग अपलोड कर लिया, दूसरे बना होगा फिर दूसरे का इंतज़ार नहीं होगा, वो ऐसे ही कर लेगा बस। भाई ऐसे नहीं है, मैं आज रात को ये अपलोड कर दूँगा, इसलिए मैं जो भी ब्लॉग बनाता हूँ वो उसी दिन बनाता हूँ जिस दिन मुझे अपलोड करना होता है, उसी दिन मैं एडिटिंग करके पूरा अपलोड कर देता हूँ और मेरा पूरा काम फाइनल हो जाता है। एक दिन में इसलिए नहीं बनाता भाई, एक दिन में जो भी मेरा स्कूल का ट्यूशन का काम होता है, ज़्यादा होता है कम होता है, या घर के काम होते हैं वो मैं फाइनल कर देता हूँ, दूसरे दिन पे मैं ये काम नहीं करता। अम्मी वालों को मना कर देता हूँ, बोलता हूँ भाई मुझे ये वाला काम नहीं करना। अब मैं बस ये जो एक दिन मैंने आपका काम करवाया, दूसरे दिन मुझे अपना काम करने दें, फिर तीसरे दिन आपका काम होगा। तो भाई आपको, आप सबको तो जानना ही, आप सबको तो पता ही होगा कि हमने एक जिम बनाई हुई थी जो कि आधी बनाई हुई थी, और आप सोच रहे होंगे आधी अच्छा आधा जो दूसरा जो आपने ऊपर वाला हिस्सा नहीं डाला वो कहाँ चुका, मतलब कहाँ गया, वो पार्ट नहीं आया अभी तक हमारा ब्लॉग अपलोड नहीं हुआ। भाई वो भी आपको बता देता हूँ, वो कोई भी टेंशन नहीं लेनी, जल्दी से आपको बता देता हूँ, चलती हैं जल्दी से दुकान के अंदर, फिर मैं आपको बताता हूँ। जी हाँ भाई, अभी चलते हैं सीधा दुकान के अंदर, अभी इशाल भी आ चुकी है, फिर इशाल को चैलेंज देते हैं, इशाल को चैलेंज देते हैं कि भाई वो हमें करके दिखाए। पहले आपको दिखा देता हूँ कि वो बना हुआ है। भाई हवा तो बहुत तेज़ चलने लग गई है, मुझे पूरी उम्मीद है कि अभी बारिश होगी होगी होगी, और यहाँ पर पूरा बारिश होगी तो यहाँ पर मुझे यहाँ पर खड़ा होना पड़ेगा, ऊपर नहीं जा सकता, ऊपर ना नहीं सकता। अभी जल्दी से चलते हैं इशाल, इधर आओ मैं दिखाऊँ, फिर मैं आपको देख सकूँ सही। अभी भाई आपको दिखा देते हैं हम जो कि मैंने अपने हाथों से बनाया हुआ है, मेहनत से बनाया हुआ है, पर एक उनमें से ख़राब हो चुका है, वो मैंने उस वीडियो में आपको नहीं बताया होगा, उसका दूसरा पार्ट भी नहीं आया, इसलिए आप समझ नहीं हो रहे। पहले हवा देख रहे, मुझे वर्जिश करनी है, रुक जाओ रुक जाओ। तो भाई अभी मैं सीधा आपको दिखाने वाला हूँ जो कि मैंने अपने हाथों से बनाया। शाबाश मां, ये गाड़ी बनाई है। हाँ भाई, उसमें एक प्रॉब्लम भी आ चुकी है, वो प्रॉब्लम भी आपको बता देता हूँ जल्दी से। छोड़ो छोड़ो,
यह रहे भाई आप सबके सामने जो कि मैंने अपने हाथों से बनाए हुए हैं, अपनी मेहनत से बनाए हुए हैं। और आप सोच रहे होंगे ये मैंने दोनों आपको दिखाए हुए थे, इनको मैंने आग पे जला भी दिया था, ऊपर वाले को नहीं जलाया। और ये जो मैंने आपको आप दोनों को नहीं, मतलब ये जो मैंने बनाए हुए ऊपर वाले हिस्से, वो मैंने आपको व्लॉग में नहीं दिखाया भाई। वो मैंने इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि व्लॉग लंबा होता जा रहा था, इसलिए वो फालतू भी हो रहा था। मैंने समझा भाई एकदम बना के एकदम ही आप सबको सरप्राइज दे देता हूँ। आपको अभी प्रॉब्लम बताता हूँ कि इसमें प्रॉब्लम कौन सा है। ये है रॉक भाई प्रॉब्लम, ये भाई इसमें फिक्स ही नहीं हो रहा, निकलता आ रहा है, निकलता आ रहा है, ये भी निकलता आ रहा है। ये फिक्स है, ये भी फिक्स है। ये तो ऊपर वाले जो मैंने बनाए हुए थे ये दोनों फिक्स नहीं है। ये देख, ये पूरा निकलता आ रहा है, ये भी निकलता आ रहा है। जी हाँ भाई, अभी मैंने वो दोनों निकाल के यहाँ पर रख दिए सामने जो कि आप देख सकते हैं। और इशाल भी यहाँ पर बैठे हैं, इशाल को भी मैं चैलेंज देने वाला हूँ और उस चैलेंज में आपको पैसे भी मिलेंगे, चीज़ भी मिलेगी और सब कुछ मिलेगा, जो आप कहेंगे वो भी आपको मिलेगा। अब आपको मैं चैलेंज दे देता हूँ, आपने चैलेंज पूरा कर लिया तो फिर आपको वो मिलेगा, सही है? आप बताएं, एक हाथ से करेंगी, दो हाथ से, दो हाथों से करेंगी एक को? हाँ भाई, ये कुछ ज़्यादा ही बारीक हो चुके हैं बनाते वक्त, मैंने इतना मिट्टी इसमें घुसा दी है ना, तो इसलिए बहुत ही हो चुकी हैं, बारीक हो चुकी हैं। अभी इशाल के दो हाथ हैं और मेरा चैलेंज है। तो भाई इशाल आ जाए इधर, आप बताएं कौन सा वाला लेंगे? तो भाई इशाल ने उठा लिया है, अभी मैं आपको बता देता हूँ। इशाल, आपको मैं बता दूँ, ये आप 20 मरतबा ऊपर नीचे करेंगी तो फिर मैं आपको 50 रुपये दूंगा। 50 रुपये नहीं, मुझे पर का डब्बा चाहिए। चाहिए, मैं आपको पर का डब्बा लेके दूंगा। नहीं दिया तो फिर तो मैं चैलेंज दूंगी। सही है, 20 मरतबा, 1, 2, 3, 4, 5 रुपया भी मिलेगा और मुझे पैसे भी मिलेगा। 7, 8 तो भाई साल की अभी 12 हो चुके हैं, 13, 14 ये देखे भाई। पूरी मेहनत से बनाए हुए थे पर आप हाथों से बनाए हुए थे पूरा खराब। तो भाई इस साल ने तो पूरा मेरा खराब कर दिया है, पूरी मेहनत खराब कर दी है। देखो ना, मुझे डालने पर गए हो। तूने खराब किए ना, अब तुम ही बना के दोगी मुझे। पूरा मेरा निकाल दिया भाई, मैंने इतनी मेहनत से बनाया हुआ था। ये लो दिखाओ, गंदा बदतमीज, मुझे भी नहीं करने दिया तुमने। दे भाई, बनाया ही मैंने कल रात का, मैं कट्टी करूंगा तुमसे, बात नहीं करूंगा। वे पहले 100 रुपया तो फिर बना के। क्या 100 रुपया? पूरा खराब कर दिया, 100 रुपये मांग लिया। तो भाई मेरी छोटी बहन है, इसको मैं कुछ भी नहीं कह रहा, इसको मैं फिर से बनाऊंगा, फिर मैं आपको दिखाऊंगा। पूरी मैंने मेहनत लगाई थी भाई, इतना कुछ था कि मैं अपनी गोभी बनाऊंगा, अपना मजा करूंगा, आराम से गेम खेलूंगा, अपने बड़े भाई को दूंगा, छोटे भाई को दूंगा, आराम से हम खेलेंगे, टाइम पास करेंगे। परेशान खराब कर लिया भाई, वही भाई नहीं है, मैं बना दूंगा दूसरा था। छोटी तो बहन है भाई, होता रहता है बच्चों के साथ, बच्चों से नहीं हुआ तो फिर क्या, हमसे होगा, बच्चों से हो गया भाई, बना देंगे दूसरी बार। तो भाई ये थी आज की हमारी वीडियो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन जरूर से ठोक दीजिए और सब्सक्राइब का बटन जरूर से ठोक दीजिए। अभी सब्सक्राइब कर लो यार, घंटा हो चुका है मैं इतनी वीडियो से बोलता जा रहा हूँ, आप कर ही नहीं रहे, तो फिर मैं ये फालतू कर रहा हूँ क्या? हाँ, जल्दी कर लें भाई, लाइक का बटन जरूर से ठोक दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।